सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो भाई आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको इंजन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, उस इंजन के सर्विस इंटरवल्स क्या है और क्या क्या चीज़ें कौन से सर्विस मतलब कितने किलोमीटर पर चेंज होती है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इंजन कौन सा, तो मैं आपको बता दी, फोक्स वैगन ऑडी ग्रुप का 1.8 लीटर TSI और 2 लीटर TSI के ऊपर वीडियो है, ठीक है, जो कि EA888 सीरीज का इंजन है, जो कि Gen 3 की मैं बात करूँ। Gen 2 के बारे में कुछ चीज़ें बात करें, Gen 1 की मैं बातें नहीं करूँगा। ये अब आपको बताऊँ, ये जो सीरीज ये जो इंजन की, इस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आपको वो वीडियो देंगे तो मेरा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको वीडियोज कैसी लग रही है, सजेशन क्या आपको, और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखने, तो वो मेरे को बता देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ उन ओनर्स के लिए जो कि Tiguan खरीद रहे हैं, वो क्या क्या एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें मैं आपको तो मेरे चैनल पे आपको गाड़ी वगैरह वॉक अराउंड भी देखने को मिलेंगे, ड्राइव रिव्यूज, मैं कोशिश करता कि भाई ड्राइव रिव्यूज हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। अगर आपको ऐसे और ओनरशिप वीडियोज भी देखनी, ओनरशिप वीडियोज भी अब मैं बनाने लग रहा हूँ, क्योंकि एक दो भाइयों का मेरे पास मेल आया तो उनकी भी मैं जाके बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे, और उसके बगल बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप दबा दें जिससे आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई और वीडियो पसंद है तो भाई आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ तो एक नोटबुक है जो कि मैंने आपको फीओ के वीडियो में भी दिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको इधर मिलता हूँ टेबल, ओके भाई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो आज हम बात कर रहे हैं Tiguan के बारे में जो कि 2021 का है। तो मैं आपको तो ये इंजन स्पेसिफिक वीडियो कार के रिलेटेड ये है नहीं, ठीक है। तो मैंने वियर इंटीरियर पार्ट इंक्लूड किए हुए, मेजर सर्विस वगैरह सब इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो आप इधर भी देख सकते हो, जैसे 2 लीटर आप जैसे TDI का भी देख रहे हो, तो इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, कब बनाऊंगा तो वो आपको बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। ब्रेक पैड्स वगैरह के तो ये Tiguan के लिए वैलिड है, किसी और गाड़ी के लिए वैलिड नहीं है जो इंजन को यूज़ करती है। तो भाई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या है। अभी कॉमन प्रॉब्लम्स की और सर्विस इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक इंजन स्पेसिफिक वीडियो है, ठीक है। तो आज जिस इंजन की बात करें तो मैं 1.8 TSI और 2 लीटर TSI EA888 Gen 3 की बात कर रहा हूँ। Tiguan 2021 को रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर्विस इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सर्विस, आपको जो ऑयल चेंज सर्विस जो होती है आपकी, वो एवरी 15,000 किलोमीटर या एक साल भी होती है। अब इसमें आपको बता दूँ तो इसमें फुली सिंथेटिक 5W30 इंजन ऑयल डलता है, 5.7 लीटर को इसमें डलता है, ठीक है। अब ये टाइमिंग बेल्ट की किट होती है जो कि आपकी 1,20,000 किलोमीटर या 8 ईयर्स पर चेंज होती है। तो मैं आपको Škoda Slavia के 1.5 TSI वाले वीडियो में 1 लीटर TSI का जो कि मतलब इंटरवल्स की वीडियो मैंने एक ही बनाई थी दोनों की, तो मैंने आपको उधर भी बताया था कि आप 5 ईयर्स पे इसको चेंज करा लो तो बेटर है। अगर आपकी गाड़ी इतनी नहीं चल पाती है तो इसको 5 ईयर्स पे करा लो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि रबड़ का कंपाउंड होता है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा क्रैक होने लगता है। खैर इसमें चेन है, ठीक है, तो चेन भी आप चेंज करा लेना। अब मैं चेन चेंज कराने को क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक। और चीज़ों की बात करें तो भाई आपको कूलेंट बता दो, तो कूलेंट Volkswagen के द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया गया कब चेंज करना चाहिए, तो लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा आप 50 से 70,000 किलोमीटर पर भी चेंज करा लो, जो कि बेस्ट रिकमेंडेड होता है। अब कूलेंट अगर आप चेंज नहीं कराओगे ना तो आपके इंजन में रस्टिंग की इशूज़ आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कूलेंट चेंज करा लेना। आपको बता दो इसमें पिंक कलर का कूलेंट डलता है जो कि शायद से उसका ग्रेड G12 है, ठीक है, तो आप वो कूलेंट डलवा लेना, नहीं तो अगर आपको नहीं मिला तो Volkswagen पर चले जाना, वो रेडिएटर फ्लश करके आपका कूलेंट चेंज कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका एक DSG का गेयरबॉक्स ऑयल होता है, अब मैं आपको बता दूँ इसमें वेट क्लच आता है जो DQ381 है, ये DQ200 से रिलायबल ज़्यादा, इसकी क्लच जल्दी नहीं घिसती क्योंकि ऑयल में डूबा रहता है, तो उसकी वजह से हीट नहीं हो पाता है जल्दी, तो ये अच्छा खासा रिलायबल गेयरबॉक्स है। तो इसका जो क्लच का ऑयल है आपका 1,20,000 किलोमीटर से 8 ईयर्स पर चेंज होता है, और ये आपका 6 लीटर डलता है इसमें, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड आपकी 30,000 किलोमीटर पर हर 2 साल पर चेंज होती है, ठीक है भाई। तो ये बात होगी इसके सर्विस इंटरवल्स की, अब मैं आपको बताया था इसके सर्विस कॉस्ट और वेयर इंटीरियर के पार्ट्स का कॉस्ट बताया था। तो सबसे पहले 1,20,000 किलोमीटर से 8 ईयर की सर्विस की बात कर लेते हैं, तो वो आपको एट अराउंड 50,000 की पड़ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताया था क्यों, तो सबसे पहले आपका तो DSG का गेयरबॉक्स ऑयल चेंज होगा, आपकी टाइमिंग किट चेंज होगी और आपकी सर्विस होगी, तो सब कुछ मिला जुला के आपका 50,000 आ जाएगा। अब मैं आपको बताया था
ये जो कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको एज ऑफ अक्टूबर 2022 और दिल्ली NCR के हिसाब से बता रहा हूँ, जगह टू जगह ये कॉस्ट वेरी कर सकती है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कौन सा कितना टैक्स लगता है। ठीक, बेसिक सर्विस की बात करें तो 9680 की आपकी आनी चाहिए, ये आपको अभी बताया एज ऑफ 2022 और दिल्ली NCR के हिसाब से। और मेजर सर्विस आपकी 17,284 की आएगी। ठीक, ये भी सेम वही इसी साल की और दिल्ली NCR के लिए ही वैलिड है, जगह के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, और अगर आगे आने वाले सालों में बढ़ेगा कम होगा तो भी उस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकता। ठीक है भाई, तो ये आपकी बात हो गई सर्विस कॉस्ट की और वेयर एंड टीयर पार्ट्स की कॉस्ट की। ठीक, सॉरी वेयर एंड टीयर में आपको बता दूँ तो इसमें आपको जो ये गेयर बॉक्स है टिगवान में, ये आपको ऑटोमेटिक ही मिलता है, मैनुअल नहीं मिलता है इसमें, इसलिए मैं आपको सिर्फ ब्रेक पैड्स का कॉस्ट बता, तो मैं आपको बता दूँ ब्रेक पैड्स ये कॉस्टिंग मेरे को मिली नहीं कहीं, मतलब कि आपको बताओ तो ये 10 मेरे को मिली नहीं, तो ये 10 to 15,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, मैं नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार सर्विस सेंटर पे पता कर लेना। ठीक है, नहीं तो कि मैं वेबसाइट पे चेक किया तो अभी आ नहीं रहा है इसको, तो एक बार आप चेक कर लेना वेबसाइट पे भी, VW इंडिया की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, मैं वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा अगर आप चाहोगे तो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वो चेक कर लेना। ठीक, कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो भाई कॉमन प्रॉब्लम्स तो आपको बता दें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन जैसे कि फोक्सवैगन बनाते ही है, तो ये आपको टर्बो चार्ज मिलता है, जो कि इसका नेम भी स्पेसिफाई करता है, टर्बो चार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, जो कि TSI के फुल फॉर्म है, तो आप कूलेंट लीक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कूलेंट लीक हो सकता है। भाई देखो ये ऐसा नहीं है कि ये फोक्सवैगन के स्पेसिफिक है, जो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन से आप उसमें कूलेंट लीक्स एक्सपेक्ट करो ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी कूलेंट लीक्स होते क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ, ही ये हीट साइकिल्स की वजह से क्या होता है ना कि ये टर्बो चार्ज इंजन होते हैं तो उनमें हीट थोड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जैसे ठंडा होता है, पहले गर्म होता है फिर ठंडा होता है ना, तो उसकी वजह से आपके कूलेंट लीक्स आने लगते हैं, मतलब वो जैसे होजेस वगैरह में क्रैक आने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है थर्मोस्टार्ट के अलावा वगैरह में भी हो, या आपको हो सकता है वाटर पम्प फेल हो जाए, तो वाटर पम्प फेलियर इनमें एक थोड़ा सा कॉमन इशू है इन इंजन्स में। ठीक है, टाइमिंग चेन, अब टाइमिंग चेन का मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 2012 के पहले के जो इंजन से उनमें ये प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक रिकॉल भी आया था, जो टेंशनर था इसके लिए, जो टेंशनर मतलब जो चेन की टेंशन मेंटेन करता है उस उनके लिए एक रिकॉल भी आया, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप 2012 का कोई इंजन ले रहे हो तो आप उसकी टाइमिंग किट रिप्लेस ही करा देना, जैसे अगर सुपर और लॉरा को ही ले रहे हो 1.8 TSI में, अब उसकी टाइमिंग किट पूरी चेंज करा देना, दो 2012 के बाद ये प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चेंज करा लेना फिर भी। ठीक है भाई, तो और चीज़ों की बात करूँ तो आपको ये चीज़ बता दो, तो ये जो इंजन है प्री 2012 ये Gen 2 के इंजन है, Gen 3 में ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि एक ओनरशिप वीडियो भी देखा था TeamBHP में, उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, तो 1,80,000 किलोमीटर्स वो गाड़ी चल गई थी, तो उसमें वो टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम मैंने नहीं पड़ी, कहीं देखी भी नहीं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते तो ये है ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम, अब ऑयल कंजम्पशन की भी जो प्रॉब्लम है ये Gen 2 में ही है, सॉरी, जो कि प्री 2012 के इंजन से उसमें ही थी, अब ये प्रॉब्लम थी एक डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से, पिस्टन रिंग के डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से थी, और जो ऑयल सर्विस थी वो एक्सटेंड की गई थी, जो कि ये प्रॉब्लम Gen 3 में रिजॉल्व हो गई थी, ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है ये भी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बताया तो कि ये जो एक्सटेंडेड ऑयल सर्विस मैंने क्यों लिखा है, तो ये क्या था ना कि सर्विस इंटरवल ये बढ़ाए हुए थे ज़्यादा, मतलब 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज कराए गए थे, मतलब बोलते थे कि आप 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज कराओ, ये यूरोप और US की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में तो 10,000 किलोमीटर्स भी बोला गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, तो आई डोंट नो अगर किसी की गाड़ी में आई हो या आप जानते हो आपकी खुद की गाड़ी में आई हो तो मेरे को बता देना, मैं श्योर नहीं हूँ कि इंडिया में ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम आई है या नहीं, जब मैं आपको बता यूरोप और US में तो प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो और चीज़ों की बात करें तो ऑयल लीक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि रबर होसेज होते तो क्या होता है ना, रबर थोड़ी क्रैक होने लगती है कुछ टाइम के बाद एज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप ऑयल लीक्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो दो प्रॉब्लम्स आपको बताई ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब टाइमिंग आप सोच रहे हो कि टाइमिंग चेन में ऐसा क्या है कि ये आप कि भाई आप बोल रहे हो कि इसको चेंज करा ही करा लेना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक बार थोड़ा सा इंजन की वर्किंग में आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, मैं एक बार 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
हाँ जी भाई, तो मैं आपको थोड़ी सी इंजन की वर्किंग बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप जैसे कि देख सकते हो, थोड़ा है ड्राइंग को माइंड मत करना कुछ ऐसे ही। तो मैं आपको, जो ये सिलेंडर बोर है इसका, जैसे कि ये सिलेंडर बोर है पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस इंजन में आपके तीन पार्ट होते हैं। अब तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको बता देता हूँ। आपका एक तो सबसे पहले हेड होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर एक चैम्बर होती है, ऑयल सम्प कहते हैं, जिसमें आपका क्रैंक हेड में क्या होता है, तो आपका एक इंटेक वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। वो क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक में आपके पिस्टन्स होते हैं और पिस्टन रिंग वगैरह होती है, और चैम्बर में आपका एक तो क्रैंक होता है और एक तो आपका ऑयल पैन होता है, जिसमें आपको ऑयल रहता है, ठीक है भाई। तो अब क्या होता है ना कि हेड में अगर मैं बात करूँ, तो आपकी इंटेक वाल्व होती है और एग्जॉस्ट वाल्व होती है। अब इंटेक वाल्व क्या करती है कि आपका जो वो है फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो सिलेंडर बोर में एंटर कराती है। अभी सिलेंडर बोर में क्या होता है, जैसे पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में सिर्फ इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर पेट्रोल में भी होता है, लेकिन पेट्रोल में आपको एक स्पार्क प्लग भी लगता है जो कि आपके फ्यूल को इग्नाइट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये पिस्टन अप एंड डाउन होता है, तो ये कम्बशन की वजह से, तो गैसेस के प्रेशर से नीचे जाता है, फिर ये ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये थोड़ा ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके ये इंजन को, मतलब ये कनेक्टिंग रॉड को रोटेट करता है, उसकी वजह से आपकी व्हील्स में पावर जाती है जब गियर आप लगाते हैं। तो इनटेक वाल्व क्या करता है, आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को एंटर होने देते हैं, ठीक है। अब ये गैसेस बर्न होगी तो गैसेस एग्जिट भी होंगी, तो ये क्या होगा, फिर ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और ये इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा। अब ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया तो आपका सारी की सारी गैसेज एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चले जाएंगे एटमोसफियर में, ठीक है। और जब ये इनटेक वाल्व खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा। अब ये चीज़ जो कंट्रोल होगी, आप सोच रहे हो ये कब 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 होगा, तो ये आपको बता देता हूँ कि ये टाइमिंग से कंट्रोल होती है, जो चेन होती है वो उससे कंट्रोल होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको टाइमिंग चेन में बता देता हूँ कि टाइमिंग चेन में कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। टाइमिंग सिस्टम पे आपको बता देता हूँ, आपको इंजन की वर्किंग बता दी है, तो आपको अब आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती है अब टाइमिंग में भी। एक तो आपको SOHC होता है, DOHC होता है, जो कि आपने बहुत सारी जगह सुना भी होगा। तो SOHC में क्या होता है, एक तो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट होती है। अब कैमशाफ्ट में क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है इसी को कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब ये रोटेट होके टाइमिंग बेल्ट की मदद से, तो ये रोटेट होती है, ठीक है। तो इसी में इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, तो यही इसको कंट्रोल करती हूँ, ठीक है। अब ये खुलने का जो कब खुलेगी कैसे खुलेगी, तो ये क्या होता है, डिसाइड होती है क्रैंक और कैमशाफ्ट की पोजीशन से होती है, ठीक है। तो ये क्रैंक और कैमशाफ्ट की पोजीशन से होती है, जैसे मैं आपको बताया, तो कुछ इंजन में एक ही होती है, कुछ इंजन में दो होती है, ठीक है। आज के डेट में तो मोस्टली सभी इंजन में DOHC, लेकिन आपको बता दूं जो पोलो में 1.GTTSI में 1.2TSI जो था, उसमें सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट थी, बाकी इंजन में तो मैंने मोस्टली DOHC ही देखा, ठीक है। तो ये रोटेट, जब ये टाइमिंग बेल्ट रोटेट होती है, तो ये कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट घूमती है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका एक कोऑर्डिनेशन बनता रहता है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व का, ठीक है। और आपका एक दो सेंसर और आ जाते हैं, एक तो आपका कैम सेंसर आ जाता है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उस भाई उसके लिए सॉरी, और एक आपके क्रैंक सेंसर और आ जाता है, ठीक है। अब ये सेंसर्स क्या होती है, ECU में आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये पोजीशन सेंसर्स होते हैं, जो कि कैम और क्रैंक की पोजीशन को रीड करके ECU तक भेजते हैं। ECU क्या करता है ना, फिर इंजेक्टर्स को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फ्यूल कब स्प्रे करना है। तो आपने देखा होगा इंजेक्टर के थ्रू एक वायरिंग भी देखी होगी आपने बहुत सारी, तो वो इसलिए वायरिंग होती है कि इंजेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि फ्यूल कब स्प्रे करना, ठीक है। तो ये टाइमिंग यही चीज़ कंट्रोल करती है कि आपका, मतलब फ्यूल कब स्प्रे होगा या कौन सा वाल्व कब खुलेगा, इनटेक वाल्व कब खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलेगा। तो ये बेसिकली क्रैंक और कैमशाफ्ट का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के हिसाब से पोजिशन वो डिसाइड होगी कि इनटेक वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, ठीक है। तो अब अगर ये टूट जाएगी ना, तो क्या क्या होगा, आपके जो पिस्टन है और जो वाल्व है टकरा जाएंगे, उसकी वजह से आपकी कार में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाएगा, जिससे आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, और माइट बी पॉसिबल आपको अपना हेड चेंज कराना पड़ जाएगा, हो सकता है बहुत सारे केस में इंजन रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो भैया बात होगी टाइमिंग चेन की, इसलिए मैं आपको कह रहा था भैया आप टाइमिंग चेन रिप्लेस करा लेना, अगर आप 2012 की पहले की कोई गाड़ी ले रहे हो तब, अदरवाइज अगर आप 2012 या उसके बाद की ले रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कूलेंट और ऑयली का जब ये प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा 2012 के बाद जो कार्स है वो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर आप 2012 से पहले की कोई गाड़ी ले रहे हो, तो आप किसी VAG
स्पेशलिस्ट को कोई ले जाऊं जो कि वीएजी कार्स में, जो मतलब फोक्सवैगन ऑडी ग्रुप की जो कार्स में एक्सपर्ट है उनको ले जाऊं, उनको बोल दो चेक कर देंगे। और मैं आपको बोलूँगा टाइमिंग किट चेंज करा लें, तो 2012 के इंजन के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 2012 के इंजन के लिए आप टाइमिंग किट चेंज करा ही लेना, भले उन्होंने कराई हो ना कराई हो, करा ही लेना, आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव खर्चे से आप बच जाओगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप अगर आपको आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। प्लस ड्रॉप अ कमेंट कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे देखनी है, और आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ देखनी है वो भी आप मेरे को बता देना। ठीक है भाई, और किसी भाई को अगर ओनरशिप वीडियो देना अपनी गाड़ी का, तो भी आप मेरे को इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं आपकी कार को ओनरशिप वीडियो भी बना दूँगा। तो भाई चलो, मैं आपको एक अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके भाई, थैंक यू।